राजनीति से प्रेरित और गौ तस्करों और गौ तस्करों के हिमायतों के द्वारा षड्यंत्र के द्वारा मोनू को जानबूझकर इस मामले में सिलेक्ट किया जा रहा है। कंप्लेंट के वर्जन में साफ लिखा हुआ है वो नहीं जानता था कि मोनू मंसर कौन है, बजंगल कौन है, उसको मेवाड़ क्षेत्र के लोगों ने बताया है। मोनू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद और मरती बेटी करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार के इन नारों के साथ गुरुग्राम के सड़कों पर मार्च कर रहे ये युवा मानेसर के हैं। हाँ, उसी मानेसर के जिस मानेसर का गौरक्षक मोनू मानेसर है, और इसी मोनू मानेसर के समर्थन में ये युवा बैनर के साथ मार्च कर रहे हैं। सोमवार को मानेसर गांव के सैकड़ों युवाओं ने गुरुग्राम के राजीव चौक से डीसी ऑफिस तक पैदल मार्च किया और मोनू मानेसर को निर्दोष बताते हुए सीबीआई से पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। जी, जैसे आप सभी को पता होगा कि मोनू मानेसर पूरे हरियाणा नहीं पूरे भारतवर्ष का गौरक्षक के रूप में एक प्रख्यात चेहरा है और 2019 में उसे गोली भी मारी थी गौ तस्करों के द्वारा और हमारे गौ सेवक भाई विक्रांत भी शहीद हुआ था। और आप सभी को पता हरियाणा में मेवात एक ऐसा क्षेत्र जहाँ सबसे ज़्यादा गौकशी होती है, प्रतिदिन वहाँ 1000-2000 गाय काट जाती हैं और वो दुदान तैयारी है, यहाँ पे पुलिस भी जाने की हिम्मत नहीं करती। तो जानबूझ के एक बड़ी साजिश के तहत गौ रक्षकों के ऊपर ये हमला कानूनी हमला कराया जा रहा है। हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि 29 जनवरी को भी एक गौ तस्कर की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी जिसका आरोप भी मोनू मानेसर पर लगाया गया था, जो जाँच में पुलिस ने वो बात झूठी पाई और ये साबित भी हुआ कि वो जो गौ तस्कर मरा था वो रोड एक्सीडेंट में मरा था। उसके तुरंत बाद धमकी दी जाती है मोनू मानेसर को ऑडियो से और वीडियो से जान से मारने की, जिनकी दो एफआईआर हमने दर्ज करा रखी हैं और इसके अलावा भी लगातार उसको धमकी मिलती रहती हैं। तो मुझे जो लगता है ये कहीं ना कहीं ये जो आरोप है ये राजनीति से प्रेरित और गौ तस्करों के हिमायतों के द्वारा षड्यंत्र के द्वारा मोनू को जानबूझकर इस मामले में सिलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये संज्ञेय। आप सभी ध्यान दें, खासतौर पर प्रेस के मेरे साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप अगर वो कंप्लेंट पढ़ेंगे जिसमें जो ये दो लोगों की जो जलाकर हत्या की गई है उसके कंप्लेंट के वर्जन में साफ लिखा हुआ है वो नहीं जानता था कि मोनू मानेसर कौन है, बजंगल कौन है, उसको मेवात क्षेत्र के लोगों ने बताया है। और कोई तथ्य है कि मोनू मानेसर कौन है जी? हमारे पास और प्रेस में भी बहुत सारी वीडियोज आपके सामने है, जितनी अमर की है वीडियो की फुटेज है वो सभी है। और मैं तो निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अभी तक भी वो फुटेज ना तो पुलिस लेने आई है और आई हो तो हमें पता नहीं है, क्योंकि होटल में जहाँ रुका था वो फुटेज है, घर से उसके आने की जाने की फुटेज है, जमालपुर के रोड से पास आउट हो रहा है वो फुटेज है, उसके अलावा भी पंचायत भी की जा रही है, महापंचायत की जा रही है। जी हाँ, 22 तारीख को कुछ संगठनों ने और गौ सेवा सदन के लोगों ने भी एक पंचायत का आह्वान किया है, क्योंकि मेवात के एक गौरक्षक श्रीकांत का जिसका नाम भी नहा के फंसाया जा रहा है उसके पास भी वो सबूत है जहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ है आप सभी के प्रेस के माध्यम से, और उसकी एक गर्भवती महिला को लात मारी है राजस्थान की पुलिस ने जिसकी वजह से उनका नवजात शिशु मृत पैदा हुआ था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दरखास्त करूंगा कि इसमें केंद्र सरकार दखल दे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मामला अपोजिशन और रूलिंग पार्टी का हो गया है और कुछ भाजपा से विरोध राजनीतिक विरोध रखने वाली पार्टियां इसमें सिलिप्त हो चुकी हैं और मैं ये मांग करता हूं कि केंद्र सरकार इसमें संज्ञान ले और उच्च स्तरीय जांच आयोग बैठाए और सीबीआई द्वारा इस पूरे मामले की जांच हो और निर्दोषों को ना फंसा जाए और दोषियों को सजा जरूर मिले। हम जी ये सीबीआई की जांच की मांग, जो निष्पक्ष जांच की मांग है वो करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। जो मोनू भाई को निर्दोष मोनू भाई को फंसाया जा रहा है जियालियों के द्वारा, उसकी हम जांच की मांग के लिए। क्या आपको लगता है उसके पास? जी हमारे पास एविडेंस भी है, मोनू ने दिया है, वो जहाँ पे मौजूद था उसकी वीडियो क्लिप भी है, तो हम यही कह रहे हैं कि इसकी जांच हो और निर्दोष हो, जो दोषी है उसको सजा मिले। मुद्दा देश में सबसे बड़ा हो रहा है जो गौ तस्करों की, दो जुनैद की, एक दो मुसलमानों की जो हत्या हुई है, तो उसके विषय में गांव मानेसर गांव के मोनू यादव को फंसाया जा रहा है जो गौ रक्षक है और गौ टास्क फोर्स में भी है। उन्होंने हज़ारों गौवंशों को बचाया, इसलिए पूरा मेवात उन्हें फंसाने में और मारने में लगा हुआ है। तो इसी विषय में हम आए हैं कि राजस्थान सरकार निष्पक्षता से जांच करे और सीबीआई की मांग है हमारी कि सीबीआई की जांच हो ताकि निर्दोषों को बचाया जा सके और जो दोषियों को उनको सजा मिल सके। हाँ, पंचायत कल की हमने पंचायत रखी, महापंचायत का गठन किया है कल
कल महापंचायत बुलाई जाएगी मानेसर में, फिर 360 और 72 की पंचायत को इकट्ठा किया जाएगा इसी विषय में कि मोनू और सभी गोरक्षकों को बचाया जा सके। वहीं इस मामले में SDM रविंद्र यादव ने क्या कहा सुनिए। किसके नाम से? देखिए इन्होंने एक ज्ञापन दिया सरकार के नाम, मैं चलूंगा ये ना एक ही रहा क्या डीसी से मिलेंगे, टाइम नंबर लेंगे इनका, डायरी नंबर के बगैर। देखिए मैं इसको डिटेल में तो नहीं पढ़ पाया, तो ये मोनू मानेसर से संबंधित है। मानेसर के युवाओं ने SDM को ज्ञापन दिया जिसमें उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच CBI से कराई जाए। युवाओं ने कहा कि मोनू मानेसर के समर्थन में मंगलवार यानी आज मानेसर में एक बड़ी महापंचायत भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।